हाँ वो मैं उस पार्टी में था। चलो चलते हैं, हम तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इससे नफरत है। मैंने उस हॉट अजनबी के साथ जाने के बारे में सोचा अपने मंगेतर से बदला लेने के लिए, बिना ये समझे कि इस बदले से मेरा अंत कैसा होगा। और इन सब की शुरुआत हुई 1 घंटे पहले। क्या ख्याल है? आखिर तुम ऐसे कपड़ों में क्यों हो? तुम्हारा एप्रन कहाँ है? हनी, मुझे एक असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए था आज से। तुम क्या बात कर रही हो? तुम एक वेट्रेस हो, जाकर अपना एप्रन पहनो। बॉस किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। लेकिन तुमने वादा किया था। मैंने ये सारी बातें बनाई तुम्हारे साथ सोने के लिए। क्या? हाँ, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है? तुम जैसी लड़की को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन तुम एक मैनेजर नहीं बन सकती। तुम तो यहाँ की सबसे अच्छी वेट्रेस भी नहीं हो। तुम शायद जानती नहीं। बाहर निकलो। बस एक झटके में मेरे बॉयफ्रेंड ने न ही मेरी भविष्य की आशाओं को बर्बाद कर दिया, बल्कि हमारे प्यार को भी। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। चीटर कहीं का। ये देखो, ये थॉमस ने मुझे दिया था। वो मेरे प्रति बहुत ही अच्छा और प्यारा था, और मेहरबान भी। और जब मेरी पिछली जिंदगी टूटकर बिखर रही थी, तब एक अजीब और करीब अनजान इंसान मेरी जिंदगी में आ रहा था एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए। ये ज़ोडियक साइन वाले पेंडेंट के साथ? हे भगवान मियां, क्या तुम स्कूल की छोटी बच्ची? क्या तुम्हें भी लगता है मैं बेवकूफ हूँ? उसने भी यही सोचा था। और हेलो, हाय। हाय हैंडसम। तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो। आई लव यू। लेकिन तुम्हारे ऊपर से मेरी नजर नहीं हट रही है। बहुत ही सस्ती लाइन है। अब ये कोई सस्ती लाइन नहीं है। तुम वाकई खूबसूरत हो। तुम्हारा नाम क्या है? I'm Emily. और ये है मिया। मिया, मैं तुम्हें पसंद आया मिया? बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पता है, तुम्हें बार में दूसरी भूखी लड़कियों की तलाश करनी चाहिए। तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कमाल की है। मैं बार में हूँ। तू पागल है? वो जेकब ब्राउन था। कौन? इस शहर का हॉटेस्ट बैचलर। लड़कियाँ उन पर मरती है। आईना, जल्दी से मुझे आईना दो। मुझे लगा कि समय हो गया है इस सब को खत्म करने का। अब समय आ गया है लड़कों से बदला लेने का, हमारा फायदा उठाने के लिए। अब उन्हें इन सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा। समझ आया तुम्हें? मुझे पता था मेरी दोस्त बहुत बहादुर है। ये हैंडसम लड़का बाकी लड़कों की तरह लड़कियों का इस्तेमाल करता है। शर्त है मैं उसे लुभाऊंगी, अपने प्यार के जल में फंसाऊंगी और फिर उसे छोड़ दूंगी। नहीं, क्या तुम सीरियस हो? हाँ। बेट 100 bucks, बहुत जल्द वो मेरे लिए रोने वाला है। उस वक्त मैंने उस लड़के के सामने डिसाइड किया एक हैंडसम स्ट्रेंजर के साथ जाने का, लेकिन जब मैं उसके घर गई मैं डर गई थी। चलो अपने कपड़े उतारो। इतनी जल्दी? मेरा मतलब अपना जैकेट उतारो। रही तुम्हारी ड्रिंक। इसके बाद क्या? अगला क्या मतलब? तुम वाइन डालते हो, लड़की के साथ पीते हो, और फिर क्या करते हो? तुम्हारी तरकीब क्या है? म्यूजिक चलाना। म्यूजिक, वाइन, तारीफ, और फिर आखिर में तुम क्या करते हो जिसके बाद लड़की तुम्हारे साथ बिस्तर में कूद जाती है? कैंडल्स चलाना ठीक रहेगा। कितनी अजीब है। सुना है मूड बनाने में सुगंध बहुत ही मददगार होती है। सॉरी। पाइस, इस हैंडसम लड़के को खाना बनाना आता है? और तुम्हारा सिग्नेचर डिश क्या है? वेजिटेबल पाई। वेजिटेबल पाई, और आखिरी बार तुमने किसके लिए बनाया था?
मुझे याद नहीं आ रहा। क्या तुम मेरे लिए बनाओगे? प्लीज सिर्फ एक बार कोशिश करो प्लान के विपरीत जाने की। तो फिर तैयार हो जाओ लाजवाब वेजिटेबल पाई खाने के लिए। मैं उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी, और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। वो कुछ बदला हुआ दिख रहा था। वो पहले वाला लड़का नहीं था, एक हंसता हुआ लड़का था जिसके साथ प्यार में गिरने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। ये तैयार है? मेरी खास डिश वेजिटेबल पाई, टेस्ट कीजिए। ये बहुत घटिया है। तुमने तो मेरी धज्जियां उड़ा दी। ओए सच में बहुत ही अजीब है, सॉरी। अच्छा निराश मत हो, ऐसा है एक आदमी किचन में बहुत ही सेक्सी लगता है। मुझे पता है मैं तुम्हें पसंद हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है जैसे तुम बार में थे तुम उससे बिल्कुल अलग हो, वो बिल्कुल ही कोई और था। तुम्हें इस कैसानोवा मास्क की क्या जरूरत है? एक सीरियस रिलेशनशिप को टालने के लिए। क्या गलत है इसमें? मेरा बहुत ही गलत अनुभव रहा है। पता है रिश्तों के ऊपर काउंसलिंग करवाना दुनिया की सबसे वाहियात चीज है। और फिर मुझे एहसास हुआ कि कैसानोवा मास्क के पीछे एक सेंसिटिव और काइंड लड़का है जो एक बार चोट खा चुका है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैं सच ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाई और मैंने सोच लिया था अपने प्लान के बारे में जेकब को बताने की। जेकब, पता है मैं मर्दों से बहुत नफरत करती हूँ, जो भी हो, इसलिए मैं यहाँ आई सभी मर्दों से बदला लेने के लिए, समझ रहे हो? तुम मुझसे फिर मिलोगी है ना? प्लीज क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? सच्ची वाली डेट? हाँ वाकई एक रियल डेट। ठीक है। उस दिन के बाद मैं सो ही नहीं पाई। मैं सिर्फ जेकब के बारे में सोच रही थी और थॉमस के प्रति मेरी नफरत मानो खत्म हो रही थी। तो क्या सोच रही हो? तुम्हें पता है जेकब थॉमस की तरह नहीं है, वो दयालु और बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है वो कभी भी मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। अच्छा तो तुम्हें प्यार हो गया है। लेकिन मिया डील तो डील है, तुम्हें जेकब के साथ प्यार का नाटक करना पड़ेगा, उसके बाद उसे छोड़ देना पड़ेगा। तो ये 100 bucks तुम्हारे हैं। तुमने कर दिखाया, तुमने अपना बदला पूरा नहीं किया। पर मैं सच में उसे प्यार करती। सॉरी गलत टेबल। जेकब, जेकब रुको। तुमने मुझसे पूछा था ना लास्ट में वेजिटेबल पाई किसके लिए बनाया था, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए खास। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में कैसे हो जब मैं और इमली शर्त लगा रहे थे, और ये कि मुझे इतना अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ, और ये कि मैं वो घटिया पाई फिर से चखना चाहूंगी। वो क्या मुलाकात है? क्या तुम फिर से अपनी नौकरी वापस मांगने आई हो? उसकी एक्स। ऐसा लगता है कोई तुम्हें नहीं चाहता। माफ करना डार्लिंग, हमें अभी सफाई कर्मचारियों की कोई जरूरत नहीं। यहाँ के एम्प्लॉय कस्टमर्स के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? तुम्हें उससे क्या, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अच्छा, वो जेकब ब्राउन है ना, इस कैफे का ओनर? हाँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, जेकब ब्राउन जूनियर। और अब मेरे पापा से बात करनी होगी इस प्लेस को साफ करने के लिए। हाँ,
काम पे जाओ थॉमस, यहाँ पे वेटर की कमी है। तुम इस रेस्टोरेंट की बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हो। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम्हें भी वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आखिर बदले की तलाश में हम खुद की खुशियाँ खो सकते हैं।